स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर पूनम रानी फ्रॉम गोल्डन पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड हिंदी ग्रामर. आओ व्याकरण सीखी. इसमें बच्चों हम सातवां पाठ यानी चैप्टर 7 सर्वनाम पढ़ेंगे. ओके, सर्वनाम क्या होती है बच्चों? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्वनाम क्या होती है. सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना. इसको समझ लेते हैं. संज्ञा क्या होती है? संज्ञा हमने परिभाषा रट रखी है कि जो किसी प्राणी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा वैसे व्यवहारिक भाषा में क्या होती है? संज्ञा होती है नाम. किसी भी चीज का नाम जो है संज्ञा है. बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है. संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम होती है. जो भी किसी का नाम है तो वो संज्ञा है. चाहे वो जगह का नाम है, चाहे किसी वस्तु का नाम है, चाहे किसी प्राणी का नाम है. जो भी नाम है बस ध्यान कर लें कि वो संज्ञा है. और संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो है सर्वनाम. नाम तो संज्ञा, सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पे है. संज्ञा नाम, सर्वनाम संज्ञा की जगह के नाम. ओके, अब सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं, सुनते हैं बच्चों, समझते हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. जैसे मैं, तुम, वह, आप, हम, वे, ये, सब आदि. ओके, अब हमको एक थोड़ा सा छोटा सा पहरा ले लेंगे. उसमें हम देखेंगे कि अगर हम बार बार किसी का नाम प्रयोग करेंगे तो हमारा हमारी जो बात है वो प्रभावशाली नहीं रहेगी. उस नाम और बड़ा बड़ी हो जाएगी, सेंटेंस बड़े हो जाएंगे, वाक्य बड़े हो जाएंगे. और अगर हम एक बार नाम लेके उसकी जगह बार बार सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हमारी बात प्रभावशाली भी रहेगी और क्या होगा, थोड़े शब्दों में भी कही जाएगी. देखिए, जैसे अब हम ये पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का नाम कौन नहीं जानता है. चंद्रशेखर आजाद भारत माता के अमर सपूत हैं. बार बार चंद्रशेखर आजाद आ रहा है नाम. चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम जगरानी था और चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी था. चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे. न्यायाधीश के समस्त प्रश्नों के उत्तर देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम आजाद तथा निवास स्थान जेल खाना बताया था. अब जो पूरे पैरा में बार बार चंद्रशेखर आजाद, इससे हमारा सेंटेंस भी बड़ा हो गया, पैरा भी बड़ा हो गया और बात भी प्रभावशाली नहीं रही. अब इसको हम सर्वनाम का प्रयोग करके पढ़ेंगे तो देखो कैसा होगा. तो चंद्रशेखर आजाद का नाम कौन नहीं जानता है. अब देखें, वे, अब यहाँ पे हमने पहले क्या लगा था, चंद्रशेखर आजाद भारत माता के अमर सपूत थे. ना कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद ठीक है कि वे भारत माता के अमर सपूत हैं. उनकी माता का, यहाँ उनकी लाए पहले चंद्रशेखर लगा रहे थे बार बार. उनकी माता का नाम जगरानी था. तो इस प्रकार से जहाँ भी चंद्रशेखर आजाद आया है उसकी जगह हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया. उससे हमारी बात प्रभावशाली और शॉर्ट में यानी कि छोटी हो गई, है ना. तो यही सर्वनाम का प्रयोग है. सर्वनाम का मतलब ही उसके नाम से पता चल रहा है. सर्वनाम, सर्व माने सभी, नाम के लिए नाम. जो सभी के लिए नाम है वही है सर्वनाम. ओके, जैसे मेरे लिए मैं आ गया, तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम ले लेके तुम आ गया, वे उनका नाम ना लेके वे आ गया, उनकी चीज उनकी ना कह के उनका नाम ना लेके उनकी कह दिया वो आ गया. तो जो नाम सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो ही सर्वनाम होते हैं. ओके, कॉन्सेप्ट इज क्लियर. सर्वनाम बता दिया हमने क्या होता है. सर्व माने सभी, नाम माने नाम. जो है सभी के लिए नाम वही है सर्वनाम. ओके, तो संज्ञा यानी कि नाम को बार बार ना लेके उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे तो वही सर्वनाम है. सर्वनाम जो सभी के लिए नाम है. ओके, हमारा कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर होता है. अब इसके आगे बच्चों हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे. ओके बच्चों, अब हम सर्वनाम के भेद देख लेते हैं. सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं. There are 6 kinds of सर्वनाम. ओके, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम,
तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छह भेद सर्वनाम के हो गए और इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बताऊंगे बच्चों, मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के छह भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं और पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो बोलने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता, और जिसके बारे में बात करी जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखो बच्चों, जब हम किसी कोई बात करते हैं, किसी से कोई बात करते हैं, तो उसमें तीन लोग शामिल होते हैं। कैसे कैसे? एक तो जो बात कह रहा है, सुन लो उधर बच्चों, एक तो जो बात कह रहा है वो, जैसे मैं बात कह रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तीन जने बात करेंगे, तीन शामिल होंगे उसके अंदर। मैं तुम्हें बात बता रही हूँ, दूसरा जिसकी बात बता रही हूँ वह है ना, और तीसरा दूसरा वो जिससे बात बता रही हूँ, जैसे आप हो, तुम या आप, मैं कह रही हूँ आप सुन रहे हो, ओके। और जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात बता रहे हैं वह हो गया तीसरा। तो मैं हो गई प्रथम पुरुष, यानी कि मैं हो गई उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और वह जिसकी बात बताए जा रहे हैं वो कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष। कौन कौन से बताए? देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी बच्चों एक मिनट,